हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैजेट्स अजाइल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। मैं आपका दोस्त परविंदर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो फायर स्टिक रिमोट्स के बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिमोट्स फायर स्टिक में एक आती है कि वो कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है या कई बार चलना बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आज इसके ऊपर पूरा बताएंगे कैसे इसको ठीक करना है और आप घर बैठे बैठे सब काम कर सकते हैं। इसमें तीन मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो आपकी बैटरी ख़राब है, वो तो आई थिंक आप सब लोग रिप्लेस कर देंगे। सेकंड प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, आप जो कोई भी बटन दबा दो उसमें लाइट जलने लगती है ऑरेंज, या कोई लाइट ही नहीं जलती है। और आपका जो फायर स्टिक डिवाइस है जो आपके टीवी के पीछे कनेक्टेड है या प्रोजेक्टर्स के पीछे कनेक्टेड है, वो समझ नहीं पाता कि रिमोट कौन सा है। और थर्ड थिंग आती है आपकी हार्डवेयर प्रॉब्लम है। हार्डवेयर प्रॉब्लम तो आई थिंक ये आप कहीं भी ठीक करा सकते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स हैं वो आर 99% ऑलवेज दे आर। आइए इसके बारे में बताते हैं वो कैसे आपने ठीक करना है। ये देखिए, इसके अंदर मैं कोई भी बटन दबा रहा हूँ, ऑरेंज लाइट आ रही है। और ये सामने देखिए डिवाइस कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। सी, तो ये ऑरेंज प्रॉब्लम की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज ये भूल गया कि मैं इस डिवाइस का कनेक्टेड हूँ। ये रीसेट हो गया, तो अब हमें इसे कैसे वेरीफाई करना है। कैपेबल बनाने के लिए, अपने डिवाइस के साथ सिंक करने के लिए आपको होम बटन दबाना पड़ेगा कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम। अभी देखिए सर्च मोड में चला गया, तो सर्च कर रहा है अपना हार्डवेयर आसपास। जाएंगे अब अपने डिवाइस के पास, उतना जल्दी वो सर्च कर लेगा उसमें। और थोड़ी देर में आप देखेंगे जैसे ही उसमें ब्लू लाइट आने लग जाएगी, सी, और यहाँ पे ब्लू लाइट आ जाएगी और सामने आपका स्टिक चल गया। तो ये तो आपका पहला वर्जन था जिसमें आपकी सेकंड वर्जन था, पहला तो मैंने सेल्स का बताया था। इससे आपका ब्लूटूथ रिमोट आपके फायर स्टिक डिवाइस से कहीं भी कनेक्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो हो सकता है कि ऑरेंज लाइट आ रही है, आपको कनेक्ट करना है। सेकेंड फायदा सबसे बड़ा है कि आपके किसी नए रिमोट को इसका पेयर करना है तो ये बेस्ट तरीका है। कई बार आप सोचते हैं कि रिमोट ले आएंगे तो कनेक्ट कैसे होगा, तो दिस इज द बेस्ट वे। यू कैन कनेक्ट एनी रिमोट टू योर डिवाइस वेरी इजीली विद वेरी सिंपल स्टेप्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग का फायदा क्यों है? वेरी सिंपल, आप रिमोट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने डिवाइस से अनपेयर हो जाएगा और जो रीसेट कर लेगा अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स को। तो उसका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप किसी एग्जिस्टिंग रिमोट को किसी नई जगह लगा सकते हैं। आपको स्टेप सिखाते हैं इसके। देखो, इसमें ये बटन है वन, एक ये बैक का बटन, ये मेन्यू का बटन और ये लेफ्ट बटन। इन तीनों को अगर आप इकट्ठा दबाएंगे, इकट्ठा एक ही टाइम में दबाएंगे वो 20 सेकेंड, तो आपका रिमोट फॉर्मेट हो जाएगा और वो अनपेयर हो जाएगा आपके एग्जिस्टिंग डिवाइस के साथ। वेरी सिंपल थिंग्स, आई थिंक ये वेरी सिंपल थिंग्स हैं और इसकी वजह से हम लोग कई बार कस्टमर केयर चले जाते हैं, कई बार नया रिमोट भी ले लेते हैं। पता ये लेने की जरूरत नहीं है। ऑरेंज लाइट इज वेरी गुड लाइट, ये मत समझना कि वो उसका रिमोट खराब हो गया। और अब जो प्राइमरी थिंग, आई थिंक कभी आपका रिमोट ना चल रहा हो तो सबसे आसान तरीका है उसका चेक करने का, उसकी बैटरीज चेक करनी है। बैटरी तो पीछे से जाइए एंड इसमें जाकर रिप्लेस कर दीजिए। मेक श्योर पॉजिटिव नेगेटिव हो करेक्ट। एंड आई प्रेफर कि इसमें ड्यूरेसेल अल्ट्रा यूज़ करो, क्योंकि बैटरी कंजम्पशन काफ़ी हो जाती है इसकी वेन एवर यू यूजिंग लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, जो नॉर्मल टीवी के रिमोट्स हैं इसके सेल काफ़ी चलते हैं, आई थिंक आप 6 महीने या आई थिंक 7 मंथ्स 8 मंथ आपको रिप्लेस भी नहीं करने पड़ते। बट फायर स्टिक के सेल्स आर वेरी मच हैवियर, मीन्स वेरी मच कंज्यूमेबल कंपेयर टू ये वाले सेल्स, बिकॉज ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे चलता है और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपकी हमेशा कनेक्टेड रहती है। तो दिस remote is always connected to your device, so always prefer to buy Duracells Ultra specially, so that 2-3 mahine aapko kuch change na karna pade aur uski performance kafi achhi rehti compared to normal cells. I think going forward ab kabhi bhi aapka bluetooth remote mein problem aati hai, orange light issue aata hai ya unpair ho jata hai aapke device se ya aapko naye tv ke sath connect karna hai, I think all you can do very easily in 2-3 minutes wo bhi ghar baithe baithe
And thanks for watching my video. Please do subscribe and share this video to your friends so that मैं ऐसे videos और बना सकूँ और आप सब. Thank you so much.